ड्रीम्स सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी हैं। और उन बहुत सारे ड्रीम्स में एक ड्रीम ये कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हो। Hey everyone, this is Nisank and welcome to today's vlog. So, आज है 16th of December 2021 और आज है मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे. Very happy birthday, Richa. May God bless you and enjoy your day. तो अभी मैं जा रहा हूँ रानी खेत. एक्चुअली मेरी फ्रेंड आई हुई है और उससे मिलने जा रहा हूँ. तो मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरी फ्रेंड है वो एक्चुअली इधर अपने कहते हैं फैमिली वेडिंग में आई है. एक्चुअली उनकी फैमिली में शादी है इधर, इस वजह से आई है. सो उसको आज टाइम मिला है मतलब मिलने का, वो भी जल्दी जल्दी मिलना है उससे क्योंकि उसको आज निकलना भी है हल्द्वानी के लिए. मगर उसके लिए एक सरप्राइज़ भी है जो मैंने सोचा है. एक्चुअली उसका बर्थडे आने वाला है एंड बर्थडे टाइम में वो यहाँ होगी नहीं. सो हमने सोचा कि कहते हैं आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं. मतलब मैंने सोचा, हमने नहीं, उसको तो सरप्राइज़ मिलेगा. सो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि रिचा का बर्थडे हमने 3 वीक्स पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था क्योंकि उस टाइम पर वो रानीखेत आई हुई थी और अभी तो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि अभी हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाते, तो इसलिए हमने उसका बर्थडे 3 वीक्स पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था, जो कि आप प्री बर्थडे सेलिब्रेशन भी बोल सकते हो. सो अब हमें देना था उसे बर्थडे सरप्राइज. और बर्थडे का सबसे पहला रूल ये है कि उसमें केक कटिंग होना बहुत जरूरी है. चाहे आप अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पे आओ या ना आओ चलेगा, बट उनका केक और गिफ्ट टाइम पे आ जाना चाहिए. सो हमारा सबसे पहला टास्क यही था कि हमें केक लेना था. सो अब हमें लेना है केक पिज्जा के लिए. तो पहले तो शॉप ढूंढते हैं कोई अच्छी सी बेकरी. सो हम बेकरी में आ चुके हैं. केक करना था. केक हाँ ऊपर है. चलो अच्छा आप ही क्या है? हाँ मैं तो ऊपर. ओके ओके इन्होंने ऊपर कर रखा है. ओके तो मैं अभी आया हूँ रानीखेत और बेकरी शॉप पे एक्चुअली केक लेने के लिए. और हमने इनमें से ऑर्डर कर रखा है रेड वेलवेट. आपका रेड का स्पेलिंग गलत है वैसे, RED. चलो रेड वेलवेट. ओके सो हमारा रेडी हो चुका है. अब वो तो हम नहीं भी बताएंगे तो अच्छा ही हो रहा होगा. ओके अच्छा तो भैया बता दो फिर ये शॉप कहाँ पर है, मेरे को एक्चुअली मेरे पता नहीं. ठीक है बहुत अच्छी शॉप है आपकी भैया, थैंक यू. रिचे को कॉल आ रहा है मेरे को तो अब निकलते हैं.
भैया अभी बाहर से आ रखे हैं। ठीक है भैया, तो ये है आपका पूरा शॉप। चलो चलते हैं, अब लेट हो गया हमें, अब भी रिचा से मिलने। तो रिचा का एक्चुअली हम बर्थडे सेलिब्रेट करना है हमें, और ये सब सरप्राइज भी है, उसका कॉल भी आ रहा है। सो अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो बैठ जा। अरे तुझे लेट नहीं होगा, मुझे लेट हो रही है। कहाँ के लिए? अभी तो तू पहुंच ही रही है यहाँ पर। बहुत देर से खड़ी हूँ यहाँ पे। अभी हम उधर जा, तेरे को बस यहीं पर पहुंचना था, मैं बस आ रहा था। एक्चुअली हमको करना है तेरा सेलिब्रेट बर्थडे। हाँ सो हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तूने मुझे इतने ऊपर पैदल क्यों बुलाया फिर? तो हमें जाना नीचे को। ओए हेलो तो कर पहले, हाय बोल। आज तो पीली बंदर पीली बंदरिया बन के आई है तू। चल सही है यार, सही है। पहुंच गए थे एक कैफ़े में जिसका नेम था डोलिया पहाड़ी रूफटॉप कैफ़े, और अब हमें करना था ऑर्डर वेजी चिकन कॉर्न पनीर मखानी। देखो पता नहीं था कि तू तो निशांग से मिलने जा रही है, द नंबर वन ब्लॉगर। अरे चल रहा है वीडियो पे, ये नहीं पता था तेरे को तू नंबर वन ब्लॉगर से मिलने आ रही, तो कुछ ना कुछ तो खिलाएगा तेरे को। नंबर वन बस यार, तारीफ करनी पड़ती है अपनी, कोई नहीं करता मेरी तारीफ, हमें खुद करना पड़ता है। पहला आया था और मेरा अगला बर्थडे आने वाला था, तेरा शायद ये छठा ही ब्लॉग है, छठा सातवां। लास्ट टाइम मैं रिचा से तब मिला था जब इसका बर्थडे था, बर्थडे के टाइम पे मिला था, एंड लगभग एक साल हो गया, और एक साल के बाद ही मिले इसके बर्थडे में। तो नेक्स्ट टाइम तो अब बर्थडे में मिलेंगे फिर। जब लास्ट टाइम हम वहाँ नहीं गए थे, वो तुम्हारा कहते हैं डोमिनोज में गए थे जब हम लोग, तो वहाँ पर वो जो लड़की नहीं थी उससे पूछा मैंने, मैंने कहा आपका सबसे बेस्ट कौन सा है, तो उसने कहा लिखा है ना सबसे बेस्ट, जो सबसे महंगा है सबसे बेस्ट है बस। तो इनका जो सबसे बेस्ट है वो अगर मैं किसी को पूछूंगा तो वो यही बोलेगा देखना। तो ये है आपका इनका मेन्यू, और हम लोग अभी वेज पिज्जा में से चूज कर रहे हैं कि कौन सा मंगाएं। अगर आप लोग होते तो कौन सा इसमें से चूज करते, बट आप लोग हो नहीं तो हमें खुद ही चूज करना पड़ेगा। एक ही कर देना रेगुलर, और एक आपका डोले पार्टी स्पेशल वेज एक्स्ट्रावेगेंजा वाला। ठीक, तो जब तक हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा था तब तक हमने सोचा कि थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ी गप्पे मार लेते हैं। सो सबसे पहला जो टॉपिक जिस पे हमने बात करी वो था लाइफ के बारे में, कि लाइफ कैसी चल रही है। तो रिचा तेरा कैसे चल रहा है MBA? बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। सही है। कैमरा के आगे बोलना, कैमरे के पीछे बोल दो, बहुत ही बकवास। तो अब इसके बाद सीधे रिचा पैकेज उठाने वाली है, बहुत तगड़ा वाला, मतलब मैक्स मिनिमम तो कहते हैं 10-12 लाख का होगा ही होगा, मैक्सिमम चले जाएगा करोड़ तक का। कम बोल दिया उज्जो। सॉरी मतलब उज्जो, ये गलती होगी मेरे से, सॉरी मैंने अपने आप को इतने लायक समझाए। सो अब लाइफ के बारे में बात हो ही रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा हेल्थ के बारे में भी बात कर लेते हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं पतला हूँ यार। नहीं मुझे तो दर्द नहीं आ गया। रिचा तू कितनी पतली होगी? नहीं नहीं मैं तेरे को कुछ खिला के भेजूंगा, कितनी पतली होगी देखो। आप प्यार से देखो, जब ये पहले थी मतलब अच्छी खासी थी, लगभग 55-60 के अप्रोक्स का वेट था, आज ये 70-80 में है। कमी तो है यार, मतलब तेरी एज के लड़के ना 90-90 किलो होता है उनका, तेरा तो फिर भी कहते 10 किलो कम है। मेरा तो मैं अपना नहीं बता सकता, बस फिर मैं तेरे को कॉपी कर रहा हूँ, पता है तुझे। आई एम इंस्पायर्ड बाई यू, यू आर माई रियल मोटिवेशन।
अगर कोई जानना चाहता है कि मेरे मोटिवेशन कौन है तो ये है वो लड़की वेट के मामले में, मतलब जिस दिन ये पतली होगी उस दिन मैं भी पतला हो जाऊंगा। मम्मी से पतली तू कभी उस टाइम पे, उस टाइम पे किस टाइम पे हुई थी तू पतली? लॉकडाउन पे। सो इतनी बकवास बातें करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सीरियस बातें भी कर लेते हैं, वो भी जरूरी है। एक तो आजकल ना बहुत वो करने लगी है, अब थोड़ा सा हम सीरियस बातें कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दो दो फोन लेके घूम रहा है ना, मुझे दे दे, आला भी भेज देती हूं, अपना भी भेज देती, मेरा एक अच्छा फोन आ जाएगा उतने में। दादा व्हाई व्हाई दादा व्हाई, दिस इज बिजनेस, दिस इज माय स्वैग। आई नो बट आई डिड बिजनेस। शट अप शट अप। तेरे हेलमेट पहनने का कहते सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कुछ नहीं, फायदे ही फायदे हैं उसके। तुम्हारा तो फायदा है तुम्हारा तो फायदा है तुम्हारा तो ये देखो, अरे तेरे बाल भी बिल्कुल एकदम अकड़ गए। फायदा है भाई हेलमेट लगाने का, कोई नुकसान नहीं है। तो इतने बड़े बड़े मुद्दों पे बात करने के बाद रिचा को अब अपना केक देखना था। ये मैं खोल रही हूँ, ठीक है? हाँ, रुक जा, चल अब ये बता, अब ये बता कि इतनी फ्लेवर कौन सा होगा, बता। चॉकलेट इधर, रुक जा, लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया। ओहो, रेड वेलवेट। ओहो, तो तेरे को पसंद नहीं है, तेरे को रेड वेलवेट पसंद नहीं है? ये तो सिर्फ हाँ बोल दे यार, कैमरे तो हाँ बोल सकती है, पसंद है ना तेरे को? यार तो ऐसे रिएक्शन दे रही ना मेरे को, फिर अच्छी रिएक्शन दे। पसंद है, पता नहीं टेस्ट कैसा है, ये पता ना। हाँ तो वो उनका बेस्ट है, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ का बेस्ट है, तो अगर बेस्ट होगा तो अच्छा ही होगा ना। सो ये है रिचा का केक। तो रिचा तुझे केक कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर तेरा बर्थडे तो आज है ही नहीं, क्या करेगी? ऊपर से इतना बड़ा लिखा रखा है। सो फाइनली वो टाइम आ चुका था जब बर्थडे गर्ल अपना बर्थडे केक कट करती। रेडी, 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिचा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिचा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे एंड द स्टार्स टुनाइट, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्माइल, अब ठीक है। सो ये हमारा पिज्जा आ चुके हैं, केक हमने पैक कर दिया है, और ये कॉफ़ी है हमारी, एंड रिचा सर्व करेगी क्योंकि बर्थडे उसका है। इस व्लॉग में इतना ही। अगर कोई रिचा को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स पे लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।